इस तरह की मूवी है कि अमित जी की जो लावारिस थी उसमें तो वारिस दिखा दिया गया, मगर मैं हूँ लावारिस का मतलब यह है कि लावारिस है तुम ऑलरेडी, शुरू से लेकर आखिर तक लावारिस ही लावारिस है। तो उसमें क्या कहते हैं कि एक दोस्त मर जाता है, उसमें कहते हैं कि मतलब इसका क्या करें, कहते अपन लोग गटर में पैदा हुआ, गटर में मर जाएगा ना। तो वो कहता है, हीरा कहता है कि हमसे अच्छा तो वो सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर है, अगर कोई ठोकर मारे तो किसी की सपोर्ट बन जाता है, और अगर हम लावारिस मर जाएं तो म्यूनिसपैलिटी वालों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि म्यूनिसपैलिटी वालों के लिए मुसीबत बन जाता है, वो कहते हैं कि इसे जलाएं या दफनाएं, ये हिंदू है या मुसलमान। तो इस लावारिस का जो है ये है कि मतलब ये शुरू से लेकर आखिर तक लावारिस ही लावारिस है। और शक्ति जी को मेरा लेने का एक सपना था, क्योंकि मैंने उनकी सबसे पहली फिल्म जो कुर्बानी देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि जब भी मैं बॉलीवुड में बड़े एक्टरों को लूँगा तो मैं शक्ति जी को सबसे पहले लूँगा। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आज तक इंडस्ट्री में शक्ति जी ने कोई सॉन्ग नहीं गाया, कोई कुछ नहीं गाया, और मेरे लिए वो गा रहे हैं। मैं उनका दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उन्हें बहुत बहुत दुआएं देता हूँ। और आगे भी हम जो काम करें, मैं ये चाहता हूँ कि शक्ति जी मेरे साथ हर फिल्म में रहें। कैसा सॉन्ग आया अब तक? सॉन्ग तो उन्होंने बहुत बढ़िया गाया है, और बस मैं तारीफ क्या करूँ, वो तो आप लोग जानते नहीं हैं। और जो है इसमें हमने जो है 6 सॉन्ग रखे हैं, तो एक है छोटी चप्पल बड़े पैर में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, मेरा दिल दीवाना है। तो इसमें हमने एक सॉन्ग शक्ति जी ने जो गाया वो तो परफेक्ट है, बढ़िया है। और एक हमने इसमें रखा है, छोटी चप्पल बड़े पैर में, बड़ा बाबू छोटे शहर में फंस गया, कोई हंस गया, क्या बात है। इसमें हमने इसको रखे हैं, और इसमें मनोरंजन इमोशन सब कुछ हमने इसमें देने की कोशिश करी है कि ऑडियंस जो है इसको पसंद करे। और हम समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि लावारिस कोई होता नहीं, लावारिस उसे बनाया जाता है। वो कौन है बनाने वाले, हम ये चाहते हैं कि वो पहले ये सोचें कि हम ऐसा करने से पहले क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं होगा तो दुनिया में लावारिस पैदा होंगे तो क्राइम बढ़ेगा, वो लावारिस होगा तो खून करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको लोग हराम ही बोलेंगे, तो वो उसके अभी क्या कर सकता है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है और इस तरह की मैंने थीम बना के मैं चला हूँ। और आज ऊपर वाले की दुआ से राजुल भाई मेरे साथ हैं, शाहिद भाई मेरे साथ हैं, शक्ति जी मेरे साथ हैं, पूरी टीम और पूरी मीडिया मेरे साथ है। तो इससे बढ़ के और मैं क्या अपने आप को कहूँ, मैं तो बहुत बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी ये फिल्म मैं हूँ लावारिस फ्लो पर है। और इंशाल्लाह मैं 2 शेड्यूल में इसे कंप्लीट करूँगा, देहरादून, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, इसको मैं फिल्माऊँगा। आपके किरदार की अगर बात करें तो